नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मुंबई में एक ही सिक्का चलता था, एक ही नाम चलता था पूरे महाराष्ट्र में। एक दहाड़ के बाद पूरा महाराष्ट्र थम जाता था। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की, जिनकी आज जयंती है। जाहिर तौर पर शिवसैनिकों के लिए ये बड़ा ही उत्सव वाला दिन है और शिवसैनिक की नज़र में बाला साहब की जो छवि है किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे साथ पूर्व नगर सेवक दिलीप शिंदे जी हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्व रखता है शिवसैनिक की जिंदगी में। सर, आप आज किस तरह से याद करेंगे साहब को? सर्वप्रथम आपको अभिनंदन करता हूँ मुझे न्यूज़ को, क्योंकि मेरे संबंध उनके साथ में बहुत अच्छे आए। आज यहाँ पर जो आपका तपस्वी करके उनको चश्मा मुफ्त में दिया जाता है, क्योंकि आज का शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र के लिए बड़ा त्यौहार है। और ये त्यौहार ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, हर घर के लिए, हर आदमियों के लिए जो चीज़ चाहिए वो मांग के लेते थे। यहाँ पर किसी की नज़र नहीं लगती थी कि मुंबई की तरफ और महाराष्ट्र की तरफ देखने की। जब बाला साहब थे तो बाला साहब ने ऐसा किया था कि यहाँ पर के जो भी जात पात के लोग आते हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको एक मजबूती देना चाहिए। इस तरह बाला साहब ने आज हमारे मुंबई को, अनेक लोगों ने हल्ला किया, अनेक लोगों ने बॉम्ब स्फोट किया, अनेक लोगों ने बहुत कुछ किया, पर जब बाला साहब थे उनके सामने ऐसी कोई किसी की ताकत नहीं थी कि नज़र उठ के देखने की। ये काम सिर्फ बाला साहब ही करते थे और बाला साहब के नाम पे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो वो डर जाता था। आज भी हमारे बाला साहब ऐसे लगते हैं कि हमारे बीच में है, हमारी को शक्ति दे रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर नहीं तो पूरे भारत देश में उनका उत्सव साजरा हो रहा है। और यहाँ पर देखने गए तो आप सवेरे से, मैं करीबन 5 कार्यक्रम में गया, बच्चों लोग का कार्यक्रम गया, चित्रकला स्पर्धा था, आरोग्य शिविर था, कल रक्तदान शिविर दिया, तो करीबन मुंबई से करीबन 4 से 5 हज़ार लोगों ने वहाँ पर दिया। ऐसे छोटे छोटे एरिया में करीबन 500, 600, 700 लोगों ने ब्लड दिया है। इनके लिए हमने ब्लड किया, हमारी जान भी गई तो भी परवाह नहीं है, कि हम सब शिव सैनिक मजबूत उनके साथ में है। और ये देश में और ये महाराष्ट्र में शिवसेना और बाला साहब का एक नाता अजूब है और वो नाता किसी और को तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि शिवसेना एक ऐसा पक्ष है कि हमेशा अच्छे काम करके लोगों के पास जाने का काम करता है, हमेशा एक अच्छी भावना उनके साथ में रखने का काम करता है। स्कूल रहे या कॉलेज रहे या किसी के घर में दुख होवे, तो हमारी ये शिवसेना की जो महिला आघाड़ी है, हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, वो एक ही नाम बाला साहब के लेके आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर आज हमारा एक उत्सव है, शाम को शमुकानंद हॉल में उद्धव जी साहब का भाषण है, हम सब जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ के जो मोतीलाल नगर के लोग हैं उनके लिए कल हमने सबसे बड़ा महिलाओं के लिए रखा है, महिलाओं का जो रोग है, जो उनकी बीमारी है, उनको यहाँ के गोरेगांव के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर बुला के उनको लेंस तपासनी, उनके ऊपर शस्त्रक्रिया, श्रीदन, ये सब काम हम लोग करने वाले हैं। करीबन कल हम लोग 180 बाटली दिए, आज हम लोग ये कार्यक्रम लिया, चित्रकला स्पर्धा लिया, हर एक जन हर एक कार्यक्रम ले रहा है। उसको लग रहा है कि महाराष्ट्र में दिवाली जो बनती है वो बाला साहब के उत्सव से ही बनती है, आज हमारी दिवाली है। ये जो जज्बा है शिवसैनिकों के अंदर, जो बाला साहब के प्रति सम्मान है, वाकई कहीं ना कहीं से हर शिवसैनिक को आगे बढ़ने का प्रेरणा देता रहता है। और प्रमिला ताई शिंदे जो हैं आम आदमी के बीच इसलिए भी लोकप्रिय हैं और जानी जाती हैं क्योंकि आम आदमी ने इनको नगर सेविका बनाया है और ये घर घर तक जाती हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, हर तरह से ये नहीं देखती कि वो शिवसैनिक है या नहीं। आप किस तरह से आज के दिन को याद करती हैं? आज शिवसेना प्रमुख का आज जयंती है। शिवसेना प्रमुख हमारे बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है। जैसे हमारे शिरडी के जैसे साईं बाबा है, जैसे पंढरपुर के विठल, वैसे हमारे शिवसेना का शिवसेना नेता है, हमारे दैवत है। और दैवत के मार्गदर्शन से ही हम चलते हैं। वो बोलते हैं कि 70% समाज सेवा और 30% राजकारण,
वैसा ही हमारा शिवसैनिक जन्म से लेके मृत्यु तक काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हम घर घर जाके जिसकी समस्या रहे वो हम लोग सुलझाने का काम करते हैं। वो सब आशीर्वाद सब शिवसेना प्रमुख का है। और शिवसेना प्रमुख ऐसे हिंदुत्ववादी नेता है जो मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं तो अखे जग में प्रसिद्ध ऐसे हमारे शिवसेना प्रमुख है। और शिवसेना प्रमुख का मार्गदर्शन हमें सर आँखों पे है और ऐसे ही हम लोग समाज सेवा करते रहेंगे। आज हमारे दिवाली, आज जयंती निमित्त हम सब दिवाली मानते हैं। जैसे समाज सेवा के कार्यक्रम, जैसा नेत्र चिकित्सा और नेत्र चश्मा वाटप, जैसे रक्तदान शिविर, जैसे आरोग्य शिविर, चित्रकला स्पर्धा, ऐसा सब समाज सेवा कार्य हम हमारे विभाग में कर रहे हैं। जिस तरह से बाला साहब को अपना लोग भगवान मानते हैं शिवसैनिक, उसी तरह से मातोश्री का भी एक अहम स्थान है। प्रवीणता, आप जब मातोश्री गई तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार शिवसेना प्रमुख से मिली या मातोश्री गई। मैं 2012 में चुन के आई तो शिवसेना प्रमुख जी को मिलने को गई, शिवसेना प्रमुख को जो मिलने को गई तो शिवसेना प्रमुख ने मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया। इतना मतलब एक भगवान मुझे मिला और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से ही मैं हमारा समाज कार्य कर रही हूँ। आपके पास फिर आऊँगा। मैडम आप बताइए, अपना नाम बताइए। स्मिता प्रभाकर सावंत। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज का दिन? आज का दिन बाला साहेब जी का जयंती का दिन है। हम सब जन नेत्र शिविर, आरोग्य शिविर, चित्रकला शिविर सब कर रहे हैं। उनकी जो प्रेरणा है उसको किस तरह से आप बाकी लोगों तक पहुंचाती हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना अक्सर वो बात करते थे। शिवसेना प्रमुख ने जो ये दिया है वो सब हम काम कर रहे हैं। महिला को बहुत सम्मान करते थे शिवसेना प्रमुख, हमेशा महिलाओं की सम्मान करते थे। महिला को बोलते थे कि अपने पास मिर्ची रखो, कोई भी आएगा आपके ऊपर हमला करेगा तो उसके ऊपर मिर्ची डालो। ऐसा महिला अपनी खुद की सुरक्षा खुद करने चाहिए। और महिला का सम्मान बहुत करते थे। जाएंगे तो पहला कुंकू का टीला वो लगाते थे सभी को और माता तुलजा भवानी का आशीर्वाद सबको देते थे। ये जो महिलाएँ हैं ये भारी संख्या में इसलिए भी आज मौजूद है क्योंकि इनके बीच प्रमिला जी ने एक संदेश देने का काम किया है। और शिवसेना प्रमुख की जो शैली थी उसके तो पूरे दुनिया में उसकी चर्चा होती है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे। अशोक बालकृष्ण दलवी। आज अशोक जी ने शिवसेना प्रमुख को श्रद्धा के तौर पर जिस तरह से सुमन अर्पित किए हैं तो इन्होंने आज अपना बाल का मुंडन करा है, क्या कहेंगे आज का दिन? बाला साहब का जो है तीसरा पुण्यतिथि है, इसका जन्मदिन है, जन्मदिन है, इसके लिए मैंने अपना बाल दिया है। और उनके उनका जो नेतृत्व था उसके बारे में आप किस तरह से सोचते हैं कि आज की तारीख में कोई ऐसा नेता हो सकता है कि नहीं आने वाले दिनों में? नहीं नहीं, इनके जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता ऐसे आज के तारीख में। कुल मिला के हर कोई ये चाहता है। मैडम आप आइए, नाम बताइए अपना। स्नेहा देवरुखकर। आप क्या सोचती हैं शिवसेना प्रमुख के बारे में और शिवसैनिकों को जिस तरह से वो ट्रेनिंग देते थे? शिवसेना हमारी शान है और हम सब महिला उनके साथ है। बाला साहेब ठाकरे हमारी शान है। उन्होंने कहा था कि मिर्ची रखो हर महिला को सुरक्षा के लिए। अच्छा, जब से शिवसेना की सरकार बनी है कुछ बदलाव आपको लगा है या फिर? हमारे महिलाओं के लिए तो बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं उनके वजह से, आज उनके वजह से हम हैं। बचत गट चालू किया है हम महिला साथ में मिलके, सब महिला मंडल बना के अब अपनी सुरक्षा कर रही है। शिवसेना प्रमुख को आपने पहली बार कब देखा था या सुना था, कुछ याद है तो उस बारे में बताइए क्योंकि आज उनका बर्थडे। बहुत साल हो गया उनको तो हम लोग बचपन से देखते हैं, मतलब तब से हमारे मन में उनके लिए आदर है। दसवां टाइम हमने देखा था, बहुत पिता जैसे हम उनको मानते हैं। आप अपना नाम बताइए। ललिता पुजारी। शिवसेना प्रमुख की जयंती है बाला साहब ठाकरे की, आप किस तरह से याद करेंगे? लोग बहुत 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 आप ये करेंगे क्योंकि हम लोग को बाला साहब ठाकरे की वजह से हम लोग को सबका सौकस है, हर इसमें से हमको मदद मिल रहा है, कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। अर्धा रात को भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, आग लग गया, कोई लेडीज को प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम में
हम लोग को मदद आता है, वो एक फोन करेगा तो हमारा शिवसेना तो इसमें से हमको मदद मिलता है। परसों हम लोग के इधर एक आग लग गया 2 बजे रात को, गाड़ी लेके आके सब मदद की है, सब हमारा शिवसेना हमारा प्रवीण शिंदे हमको हर इसमें से मदद करती है, हमको कौन सा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शिवसेना की जो एक इमेज है बाहर, अगर हम मुंबई के बाहर की बात करें तो बहुत अजीबोगरीब बात करते हैं लोग, आपको लगता है कि वह वो उनके आरोपों में कोई दम है? नहीं, वो सब कुछ होने वाला नहीं है, वो काले कितना भी बोलने दो शिवसेना को कोई गिरा नहीं सकते, हमारा बाल साहब ठाकरे को कोई नहीं नीचे कर सकते, वो सब काली बोलने का है, बोलने का काम करता नहीं है कोई, करने वाला कोई नहीं, हमारा शिवसेना पहले भी जिंदा था अभी भी आगे भी रहे। शिवसेना प्रमुख की तरह कोई नेता आपको लगता है कि भविष्य में होगा? भविष्य में नहीं होएगा, हमारा शिवसेना प्रवीण शिंदे ऐसा कोई नहीं आएगा, बाला साहब ठाकरे का ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, काली बोलते मुँह से कुछ करते नहीं, हर सुख दुख में हमारा शिवसेना हर इसमें है, लेडीज का प्रॉब्लम हो जेंट्स का होने दो, किसको कुछ प्रॉब्लम होने दो, हमारा शिवसेना आगे है, हमारा शिवसेना को कुछ कोई एक बाल गिरा नहीं सकते किसको। आप तो गजब बोल रहे हैं बहुत, आपके अंदर शिवसेना का एकदम जबरदस्त पावर है, ऐसा हर रात को भी आती है हमारा शिवसेना। यही जो जोश है, बाला साहब हमेशा महिलाओं को ये ट्रेनिंग देते थे कि अपने शक्ति को महसूस करो और आपके अंदर शक्ति है तो आपकी भक्ति दुनिया करेगी। आप बताइए मैडम, आप किस तरह से आज किस तरह से महिलाओं का जीवन कितना बदला है? महिलाओं का जीवन तो अभी सबसे अच्छा बदला है, महिला नारी सबसे आगे है, अभी हम शिवसेना वाले महिला है वो कभी पीछे हटने वाले नहीं है, सबसे आगे जाने वाले है, और बाला साहेब ठाकरे का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, इसके लिए हम किसकी बात के लिए डरते नहीं है, कुछ भी होने तो हम आगे ही बढ़ते है। प्रमिला, कोई आदमी जब पॉलिटिक्स में होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज में पॉलिटिक्स, आपके ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं, उसको किस तरह से देखती हैं आप? पॉलिटिकल्स हम लोग जाते ही नहीं है राजकारण, हमारे पास कोई भी पक्ष का आदमी आने दो हम लोग उसका काम करते हैं, बाला साहब का जो मार्गदर्शन है उसका ही हम लोग उपयोग करते हैं, मार्गदर्शन से 70% समाज कारण और 30% राजकारण, हम लोग राजकारण करते भी नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक रिश्ता था, आज बाला साहब होते तो बात कुछ और होती शिवसेना की? शिवसेना प्रमुख एक बार बोलते थे पीछे नहीं हटते थे, एक ही बात जो बोलते थे वो ठाम बोल के रहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी तकलीफ देने की। लेकिन बाला साहब बहुत दुखी हो गए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा जिस तरह से राज ठाकरे अलग हो गए थे, और अभी जो जिस तरह से चल रहा है उद्धव जी का आदित्य जी का, उस पर क्या कहेंगे आप? आदरणीय उद्धव जी शिवसेना प्रमुख के आशीर्वाद से ही उनके ही सलाह से चल रहे हैं, उनको शिवसेना प्रमुख का आशीर्वाद है, और मुझे लगता है मार्गदर्शन हमारे शिवसेना के उद्धव जी साहब बहुत ही अच्छा तरह से शिवसेना पक्ष चला रहे हैं। अगर आपके इलाके की समस्याओं को अगर पूछे आपने क्या क्या समस्याएं दूर की है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मेरे इलाके के मैंने हॉस्पिटल सिद्धार्थ हॉस्पिटल है वो अपना महापालिका नगर पालिका है, मैं आरोग्य समिति की सदस्य रहने के कारण वहाँ कोई भी मतलब डॉक्टर मशीन सभी हम लोग ने सिटी स्कैन मशीन लगाया, जेने को जैसे 1100 रुपया सर्व सामान्य पब्लिक को और 24 घंटा चालू, ऐसे हमारे गायनों के जो डॉक्टर नहीं रहेंगे उनके पीछे हम लोग रखते कि डॉक्टर चाहिए, ICU बहुत अच्छा तरह चले, जैसा सिद्धार्थ हॉस्पिटल में कुछ भी कम हो जाए तो हम लोग देने की लोगों को देने की जरूरत है करते हैं। अभी ये जो चर्चा है वो जारी रहने वाली है और वाकई अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शिवसेना प्रमुख को लेकर क्या सोचते हैं शिवसेना के लोग और गोरेगांव की जनता। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़, देखते रहिए लेमन न्यूज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं, इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।